हे गाइस, आज रात 7 बजे कंप्यूटर हॉस्टल वाड़ाने की पहली क्लास है, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर 60 दिनों तक की फ्री ऑनलाइन क्लासेस रहेगी। कितने दिनों तक रहेगी? 60 दिनों तक ऑनलाइन फ्री क्लासेस रहेगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज से न्यू बैच स्टार्ट हुआ है। दोपहर 12 बजे की क्लास लगेगी व शाम 7 बजे की क्लास लगेगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स एजुकेशन बाय रुपेश सर। आज से न्यू बैच स्टार्ट हुआ है ना। डेली आपको छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कराया जाएगा सिलेबस के अनुसार, ठीक है। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद और बताना चाहूँगा कि इसी चैनल पर ईडियो की क्लास चल रही है शाम 6 बजे की। डेली क्लासेस पंचायती राज व्यवस्था से चल रही है और ग्रामीण यानी कि ग्राम सभा से और ग्रामीण विकास से भी चल रहा है। तो चैनल पर जाइएगा और सब्सक्राइब करिएगा, है ना। इसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, यहाँ पर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की पहली घंटी को ऑल पर सेट करें। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास पहुँच जाएगा। टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया, आप जाके जुड़ सकते हैं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक भी दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास पहली क्लास है, जो कि स्टार्ट करते हैं 50 MCQ यानी कि कंप्यूटर के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि पिछले वर्षों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है, तो याद करते चलिएगा। तो छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन कंप्यूटर क्वेश्चन पेपर 2022 का PDF डाउनलोड करने चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के नीचे जा सकते हैं। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि WMV का विस्तार क्या है। तो WMV का विस्तार होता है विंडो मीडिया वीडियो, यानी कि इसका आंसर कौन सा होगा? विंडो मीडिया वीडियो, इसका आंसर बी होगा। क्या बोला गया है? WMV का विस्तार बोला गया है। WMV का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका आंसर बी होगा, विंडो मीडिया वीडियो। चलिए अगला प्रश्न है कि यह निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का अनुवाद है। यानी कि आप लोग को देखिए, मैं इसी चैनल पर आपको 50 MCQ कराऊंगा कंप्यूटर का, जो कि CG व्यापम यानी कि छत्तीसगढ़ व्यापम के सिलेबस में 20 अंकों का पूछा जाता है, 10 अंकों का पूछा जाता है ना। इस कंप्यूटर का आपको 50 MCQ कराऊंगा। आज की क्लास 50 MCQ का है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है, व्यापम में बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, याद करते चलिएगा, है ना। देखिए, पहला प्रश्न मैं आपको करा चुका हूँ। दूसरा प्रश्न कहता है कि यह निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का अनुवाद है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर असेंबलर होगा। इसका आंसर कौन सा होगा? सी, असेंबलर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न है कि MS Word डॉक्यूमेंट में खाली स्थान यानी कि डॉट डॉट बटन दबाने पर फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स का डायलॉग बॉक्स खुलता है, तो इसका आंसर डी होगा, F5, है ना। तो F5, F2 क्या है, F3 क्या है, F4 क्या है, तो आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं, है ना। ये तीनों को आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका क्या होता है, F2 का क्या होता है, F3 का क्या होता है, F4 का क्या होता है। पिछले वीडियो में मैंने कंप्यूटर के सारी क्लासेस करा दिया हूँ मैं, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। इन तीनों को आप कमेंट में ज़रूर करके बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर कोड है, आप सभी को पता होगा कंप्यूटर वायरस क्या होता है, कंप्यूटर कोड होता है, या इसको बोल सकते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। अगर देखिए, यहाँ पर कंप्यूटर वायरस अगर पूछा गया है एग्जाम में, अगर कंप्यूटर कोड की जगह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दिया रहेगा तो आप उसको भी लगा सकते हैं, वो भी आंसर होगा। अगर दोनों नहीं दिया है तो कोई नहीं होगा, लेकिन अब यहाँ पर दिया गया है कि कंप्यूटर कोड दिया है, तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है। इसका आंसर कौन सा होगा? सी होगा। चलिए अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सा परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य नहीं है? मैं आप सभी को बताया हूँ कि बार बार नहीं है,
सही नहीं है कि हाँ ये सब पूछा जाता है, तो इसका आंसर डी होगा। क्या होगा? परम क्रांति, यानी कि परम 8000, है ना। इसका आंसर ये हो जाएगा, परम क्रांति होगा ना, इसका आंसर परम क्रांति होगा। सदस्य नहीं है बोला है, तो सदस्य कौन कौन है, तो सदस्य कौन कौन है यहाँ पर आप देख सकते हैं। सदस्य है परम पदम, परम युवा और परम 8000, ठीक है। ये परम 800, ये परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी के सदस्य है, लेकिन यहाँ सदस्य नहीं है पूछा गया है, तो सदस्य नहीं है पूछा गया है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? परम क्रांति होगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं। बिट्स का तात्पर्य होता है बाइनरी डिजिट, तो इसका आंसर कौन सा होगा? आपको कहाँ पर दिख रहा है बाइनरी डिजिट, यानी कि आंसर डी, ये वाला होगा बाइनरी डिजिट, है ना, ये डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा हिंदी वारस है? हिंदी वारस, तो उपरोक्त सभी होगा। वारस क्या है? देखिए यहाँ पर वारस पूछा गया है, एवस्त, मैकफी, नॉर्थन, ये सब। देखिए यहाँ पर वारस कौन कौन सा होता है आपको मैं बता देना चाहता हूँ। एवस्त एक वायरस है, एवीजी भी एक वायरस है, नॉर्थन भी वायरस है, मैकफी ये भी वायरस है, मैकफी एक वायरस है। अगर यहाँ पर और दिया रहता तो मैकफी भी आता, मैकफी भी वायरस है। एवस्त, मैकफी, नॉर्थन, क्विकी। देखिए अब देख मैं आप सभी को बताऊंगा यहाँ पर कौन कौन सा वायरस होता है। एवस्त एक वायरस हो गया, एवीजी भी वायरस हो गया, नॉर्थन भी वायरस हो गया, क्विक हिल भी एक वायरस है, क्विक हिल एक वायरस है, नॉर्थन भी वायरस है, एवस्त वायरस है, है ना। अब मैकफी भी वायरस है। पांच प्रकार का यहाँ पर मैं आपको वायरस बता चुका हूँ, मैं सभी वायरस है ये। चलिए अगला देखेंगे। निम्न में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है? इसका आंसर कौन सा होगा? लेजर प्रिंटर होगा, आंसर भी होगा। चलिए जल्दी जल्दी आपको कराते जाऊंगा, 50 एमसीक्यू कराना ना आपको, तो जल्दी जल्दी कराएंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पर। निम्न से किसने 3D प्रिंटिंग तकनीक का आविष्कार किया है? किसने 3D प्रिंटिंग तकनीक का आविष्कार किया गया? तो चार्ल्स हुल ने 3D प्रिंटिंग तकनीक का आविष्कार किया गया, ठीक है, चार्ल्स हुल ने किया है, आंसर डी होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हो जाएगा, जंक ईमेल को कहा जाता है, जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? स्पूफ कहा जाता है ना, जंक ईमेल को स्पूफ कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन से क्या प्राप्त करते हैं? उपरोक्त सभी, वीडियो प्राप्त करते हैं, इमेज प्राप्त करते हैं, डॉक्यूमेंट प्राप्त करते हैं। इसका आंसर कौन सा होगा? डी होगा, उपरोक्त सभी होगा। क्या क्या प्राप्त करते हैं सर्च इंजन से? वीडियो प्राप्त करते हैं, वीडियो से हम क्या कर सकते हैं? वीडियो में गेमिंग खेल सकते हैं, मतलब देखिए यहाँ पर वीडियो में बहुत सारी देख सकते हैं, वीडियो को पढ़ाई से है, रिलेटेड से वीडियो गेम ये सब देख सकते हैं, इमेज है, डॉक्यूमेंट है, इमेज है, डॉक्यूमेंट, ये सभी है इंजन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से उसके बाद और जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम नहीं है हमारे पास, है ना। SEO क्या है? SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका आंसर कौन सा होगा? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, है ना, ये वाला। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा भंडारण माध्यम 25GB से अधिक डाटा का भंडारण कर सकता है? 25GB से, 25 से ब्लू रे डिस्क, है ना, ब्लू रे डिस्क। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम 0 और 1 की लंबी श्रेणी में बनाया गया है, इस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? 0 और 1 की लंबी श्रेणी में प्रोग्राम बनाया गया, उसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं, मशीन लैंग्वेज का प्रोग्राम कहते हैं 0 और 1 से, है ना, मतलब आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं जल्दी से। निम्न में से कौन सा स्टोरेज, यहाँ पर पूछा गया कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सूचित अनुक्रम अधिगम प्रदान करते हैं, सिक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है, तो कौन सा है? मैग्नेटिक टेप होगा। इसका आंसर है कौन सा होगा? बी होगा। चलिए अगला देखते हैं।
क्विक टाइम फॉर्मेट के द्वारा विकसित किया जाता है, क्विक टाइम फॉर्मेट के द्वारा विकसित किया जाता है, तो कौन सा होगा? एप्पल होगा, APPLE, एप्पल, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सी होगा, इसका आंसर सी होगा। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर है? कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर है? तो कौन सा होगा? हैकू। हैकू क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हैकू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। कंप्यूटर जॉयस्टिक है ना, 50 MCQ कराना है ना, तो जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, आप लोग को याद करते चलिएगा। कहीं पर आपको डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हैं, अगर कहीं पर आपको डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पर आपको डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हैं। इंकजेट प्रिंटर के मूल रंगों के कार्टोजों की संख्या, यानी कि कार्टिजों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कार्टिजों की संख्या हमेशा याद रखना, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि इंकजेट प्रिंटर के मूल रंगों की कार्टिजों की संख्या कितनी होती है? कार्टिजों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसका आंसर सी होगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? देखिए, मैं एक बार पहले भी बता चुका हूँ, नहीं से पूछा जाता है, सही नहीं है, नहीं है, क्या है, ये सब बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, क्या नहीं है, है ना, क्या नहीं है, बार बार पूछा जाता है। तो डिलीट फाइल रिसाइकिल बिन से स्टोर हो सकती है? नहीं हो सकती है, गलत होगा। फाइलों को रिसाइकिल बिन में भेजने पर डिस्क में फ्री स्पेस स्टोर कर सकता है, ये आंसर होगा, ठीक है। चलिए जल्दी से अगला प्रश्न करेंगे, 50 MCQ कराना है ना, तो जल्दी जल्दी करा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना, लाइक करते करिएगा, लाइक करते जाइएगा। फ्रॉक क्या है? फ्रॉक क्या है? नई प्रक्रिया का बनना है। फ्रॉक एक नई प्रक्रिया का बनना है, नई प्रक्रिया का बनना है, नई प्रक्रिया का बनना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट किस पन्ने पर होता है या प्रिंटर रहता है? हेडर फुटर बोलते हैं उसको, हर पन्ने पर रहता है, हर पन्ने पर। स्लाइड शो देखने के लिए कीबोर्ड का कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? देखिए, आप सभी को पहले बताया था कि देखिए F2 को क्या होगा, F4 को क्या होगा, F5 को क्या होगा, है ना, तो अब F1 को क्या होगा, ये सब आपको बता चुका हूँ, मैं क्लासेस में बता चुका हूँ ना, तो इसको कमेंट में आप इसका आंसर बताइएगा कि F1 का मतलब क्या होता है, F2 का क्या होता है, F4 का क्या होता है, और F5 का क्या होता है। इसका आंसर कौन सा होगा? F5 होगा। कमेंट में बताइएगा इसका क्या क्या होता है, F1 का फोल्डर बनाना होता है कि नई प्रक्रिया का बनना होता है, क्या होता है, F2 का मतलब स्लाइड शो देखना होता है, क्या होता है, ये सब आप बताइएगा। F5 को तो अभी बताया कि स्लाइड शो होता है करके। F4 का मतलब होता है कि विंडो को बंद करना, जैसे देखिए कंप्यूटर जैसे खुला है तो इसको बंद कर सकते हैं F4 में, है ना। F2 में क्या होता है और F1 में क्या होता है, F1 में क्या होता है कमेंट में बताइएगा, F2 में क्या होता है कमेंट में बताइएगा, है ना। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इधर, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करना है, क्लास लेना है ना, शाम को 6 बजे की क्लास लगेगी। कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता? कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता? तो कौन सा होगा? स्पेस। चलिए, याहू गूगल और MSN क्या है? एक इंटरनेट साइट है। याहू गूगल और MSN एक इंटरनेट साइट है। जीमेल द्वारा भेजी जा सकने वाली एक फाइल की अधिकतम क्षमता कितनी होती है? अधिकतम क्षमता कितनी होती है? 25 MB होती है। कितनी होती है? 25 MB। याद रखिएगा, जीमेल द्वारा भेजी जाने वाली एक फाइल की अधिकतम क्षमता 25 MB होती है। इसका आंसर कौन सा होगा? सी होगा। चलिए अगला देखते हैं। आप तैयारी करना चाहते हैं हॉस्टल बढ़ाने की, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी फाइल को स्थायी तौर पर रिसाइकिल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए कौन से की दबाते हैं? शिफ्ट प्लस डिलीट दबाते हैं। आंसर भी होगा। तैयारी करना चाहते हो अच्छे से, 7 दिनों का फ्री बैच है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आपको क्लासेस कराऊंगा सिलेबस के अनुसार, छात्रावास की तैयारी भी करवाऊंगा, रेडियो की तैयारी भी करवाऊंगा। MPG किस प्रकार का फाइल एक्सटेंशन है? वीडियो है। चलिए अगला देखते हैं। CD-ROM क्या है? उपरोक्त में कोई नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सेमीकंडक्टर मेमोरी नहीं होगा, मेमोरी रजिस्टर भी नहीं होगा, मैग्नेटिक मेमोरी नहीं होगा, क्या होगा? CD-ROM का मतलब होता क्या है? CD-ROM का मतलब होता है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी।
सीडी का होता है, सी का मतलब कम्पैक्ट, डी कम्पैक्ट डिस्क, आर ओ एम इसका फुल फॉर्म क्या होगा, रीड ओनली मेमोरी, कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, है ना। क्या होगा, सीडी रोम, सीडी रोम का मतलब होता है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, है ना। चलिए अगला देखेंगे, डीवीडी क्या है, डीवीडी एक डिजिटल वीडियो डिस्क है, डीवीडी क्या है, डिजिटल वीडियो डिस्क है, डिजिटल वीडियो डिस्क का आंसर सी होगा। चलिए, खोज इंजन बैदू कहाँ से मिला है, बैदू चीन से मिला है, कहाँ से मिला है, चीन से, है ना। ईडीपी क्या है, ईडीपी मतलब इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होता है, कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको, सी में दिख रहा है, जल्दी बताइए, करिए ना कमेंट जल्दी कीजिएगा। गीगो शब्द का संबंध होता है शुद्धता से, शुद्धता से होता है ना, आंसर कौन सा होगा, ए होगा। लेजर प्रिंटर से संबंधित है, लेजर प्रिंटर एक पेज प्रिंटर से संबंधित है, देखिए एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है प्रिंटर से, प्रिंटर से एक नया क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को, प्रिंटर से पूछा जाता है। किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं, बार कोड कहते हैं, क्या कहते हैं, बार कोड, आंसर भी होगा। वेब क्लार को खाली स्थान भी कहा जाता है, वेब स्पाइडर कहा जाता है। चीन में सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन कौन सा है, बैदू, कौन सा है, बैदू, बैदू है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी सवाल करेंगे, 39 डिग्री डिजिटल का एक प्रकार का है, क्या होगा, इम्पैक्ट प्रिंटर होगा, कौन सा होगा, इम्पैक्ट प्रिंटर होगा, डी आंसर कौन सा होगा, डी, है ना। कमेंट करती जाइएगा, अगर कहीं पर डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। एम एस वर्ल्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करने के साथ, देखिए बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला F1, F2, F3 ऐसे के फंक्शन से 9 तक आपको याद करना जरूरी है, F1 से लेकर F9 तक याद कर लीजिएगा अच्छे से, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, ये सभी को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा क्या होता है, बार बार एग्जाम में पूछता है, ये 2-3 नंबर का पूछता है फंक्शन की से, स्पेलिंग चेक करने हेतु शॉर्टकट की है, कौन सा शॉर्टकट की है, स्पेलिंग चेक करने हेतु कौन सा शॉर्टकट की है, F7 है। चलिए अगला देखेंगे, किसी व्यक्ति की पहचान की हेरा फेरी कर, किसी व्यक्ति की पहचान की हेरा फेरी कर, किसी व्यक्ति की गोपनीय सूचना प्राप्त करना किस प्रकार का प्रयास है, तो कौन सा प्रयास है, फिशिंग स्कीम, आपको पहले भी कंप्यूटर का पूरा क्लास करा चुका हूँ, इसका आंसर कौन सा होगा, फिशिंग स्कीम, इसका आंसर सी होगा। चलिए अगला है अगला होगा, इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के खाली स्थान के माध्यम से जुड़े होते हैं, देखिए इनपुट और आउटपुट से एग्जाम में 1-2 नंबर का पूछता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के खाली स्थान माध्यम से जुड़े होते हैं, तो पोर्ट्स के माध्यम से जुड़े होते हैं, आंसर डी होगा। ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप GPEG को संक्षिप्त करने का उपयोग होता है, देखिए GPEG का फुल फॉर्म यहाँ पर बताया गया है, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप किसमें होता है इमेज में, एक्सेल शीट की एक पंक्ति यानी कि रो को छुपाने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है, रो, और सबसे पहले ये बताइए कि रो और कॉलम होता क्या है, रो कॉलम ऐसे बनता है, रो और कॉलम ऐसे बनता है, ठीक है, रो और कॉलम ऐसे ही बनता है, एक्सेल शीट की एक पंक्ति में रो को, अब रो को छुपाने के लिए बोला गया है, रो को छुपाने के लिए
शॉर्टकट की का पूछा गया है, रो को छुपाने के लिए शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस F9, आंसर डी होगा। यह यूनिक्स के जैसा मुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कौन सा होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। एक वीडियो के तारतम्य से बना होता है, एक फ्रेम के तारतम्य से बना होता है, आप सभी को पता है फ्रेम फ्रेम के तार से बनता है, आंसर यह होगा। निम्न में से अलग कौन है, निम्न में से अलग कौन है बताइए, सीडी डीवीडी फ्लॉपी डिस्क एचडी डिस्क बायोस। देखिए यहाँ पर ये सब डीवीडी ये सब एक ही चीज़ है, ये तीनों कौन सा है, एक ही है। बायोस अलग है, बायोस अलग है, बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट में बताइए बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है। एक्सेल शीट की एक पूरी कॉलम यानी कि स्तंभ को चयन करने की आवश्यक शॉर्ट की कौन सा है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार है ना, कंट्रोल प्लस स्पेस बार होता है। कमेंट करते रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब तो करिएगा लेकिन कमेंट जरूर करिएगा, कहीं पर डाउट होता है तो पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का भी दिया गया है लिंक, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। चलिए देखते हैं अगला सवाल, लास्ट सवाल भी होने वाला है। निम्न में से किसका सबसे तेज एक्सेस टाइम होता है, निम्न में से किसका सबसे तेज एक्सेस टाइम होता है, तो सेमीकंडक्टर का होता है, याद रखना सेमीकंडक्टर का होता है। लास्ट सवाल है हमारा आज का, उच्च गुणवत्ता वाली कैड, उच्च गुणवत्ता वाली कैड सिस्टम ड्राइंग और ग्राफ हेतु प्रिंट हेतु डिवाइस का उपयोग किया जाता है, प्लाटर का किया जाता है, आंसर सी होगा प्लाटर। हॉस्टल वाटरनी की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, है ना। आज के लिए बस इतना ही, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप एडीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी को मैं कराऊंगा ग्राम सभा से, ग्रामीण आजीविका, ग्रामीण विकास से, आजीविका से, है ना। ये तीनों का आपको डेली शाम 5 बजे शाम 6 बजे की क्लास लगती है, हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन क्लासेस होती है, आप जाके ज्वाइन बैच कर लीजिएगा। डेली क्लासेस कराया जाता है और छात्रावास अधीक्षक की आज से क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आज रात 7 बजे की क्लास होगी छात्रावास अधीक्षक की, और दोपहर कल 12 बजे से स्टार्ट होगा नया बैच। छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कैसे करना है ये सब आपको मैं बताऊंगा दोपहर 12 बजे, यानी कि कल आपको बताऊंगा मैं कि छात्रावास की तैयारी कैसे करना है, कैसे किस प्रकार का पैटर्न आएगा, ये सब मैं बताऊंगा। चैनल को लाइक कीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, चलिए बाय बाय।